नमस्कार, आज बात करेंगे सी स्टॉर्म की। सी स्टॉर्म यानी कि समुद्री तूफान, यह बनता कैसे है, क्या कब कब इसके बारे में सरकार क्या 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 कर सकती है और भी कितनी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। सी स्टॉर्म, स्टॉर्म्स आर क्रिएटेड व्हेन अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स सराउंडिंग दी हाई प्रेशर, यानी कि जब जब लो प्रेशर हाई प्रेशर के सराउंडिंग में डेवलप होता है तब तब ये स्टॉर्म क्रिएट होता है। ये भी कह सकते हैं दो अपोजिट विंड जब एक जगह मिल जाए तब तब ये तूफान क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है, और बहुत ही तेज़ी से इसकी ये तूफान जब तटीय लोगों में टकराता है तो तेज़ हवाएं, मूसलाधार बारिश और लैंडफॉल, ऐसी ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती है। यानी तब तब एक तरफ से गर्म हवा और एक तरफ से ठंडी हवा समुद्र के अंदर मिल जाएगी, तब तब ऐसे तूफान बनेंगे और ये क्रिएट होंगे। और इनसे कभी कभी बाढ़ जैसे खतरे इनसे आते हैं, जो वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात, यहाँ पे हमने कई बार हमने यहाँ पे देखा है। तो अब बात करेंगे सी स्टॉर्म इंडिया में बढ़े कैसे, वाई आर सी स्टॉर्म इंक्रीजिंग इन इंडिया। दे आर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये तूफान ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़े हैं। साइंटिस्ट का माने तो ये तूफान आगे और भी बढ़ेंगे और ऐसे तूफान आपको और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर जैसे हमने पहले ही बात की थी, सरफेस टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक इंडिया का बढ़ा है, तो उसके कारण जो हॉट विंड्स होती हैं उस समुद्र में कोल्ड विंड से टकराती हैं, तो तब तब ऐसे तूफान बनते हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। अब बात करें तो इन्हें नाम कौन देता है, हु गिव नेम्स टू द साइक्लोन, इन साइक्लोन्स को नाम कौन देता है। इन 2000 में पहले 2000 से पहले हमको इनका कभी नाम नहीं रखे जाते, जैसे 2000 के बाद इनके नाम रखने शुरू हुए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इनके नाम रखने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका इंडिया भी एक मेंबर है, और इंडिया के आसपास जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो भी इसके मेंबर्स हैं, उन्होंने इसके नाम रखने शुरू किए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये तूफान ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़े हैं। साइंटिस्ट का माने तो ये तूफान आगे और भी बढ़ेंगे और ऐसे तूफान आपको और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर जैसे हमने पहले ही बात की थी, सरफेस टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक इंडिया का बढ़ा है, तो उसके कारण जो हॉट विंड्स होती हैं उस समुद्र में कोल्ड विंड से टकराती हैं, तो तब तब ऐसे तूफान बनते हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। माथापच्ची के बाद सितंबर 2004 में इनके नाम रखने शुरू किए गए। तो जो लिस्ट थी वो उसमें 8 मेंबर्स थे, वो 8 मेंबर WMO या SKF एटसेट्रा इनके मेंबर थे, वो तो इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब तब तब ये तूफान आता है तो इसकी 4 वार्निंग पहले इशू की जाती है, गवर्नमेंट इसकी 4 वार्निंग इशू की करते हैं, भाई तूफान आने वाला है आप अपने आप को बचाओ, उसको पहले वॉच करो, अपने आप को बचाओ या सिक्योर जगह पर पहुँचो। अब इसके बारे में एक बार बात करेंगे। स्टेज 1 में साइक्लोन वॉच वार्निंग जारी की जाए, जो 72 घंटे पहले वार्निंग जारी की जाती है कि तूफान आने वाला है और इतनी इंटेंसिटी का यहाँ पे जो तटीय इलाके हैं समुद्र से बनना शुरू है, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर वो तूफान टकराया जाएगा और रेस्क्यू फोर्सेज को अलर्ट किया जाता है, भाई आप अलर्ट पर रहिए और ऐसे ऐसे तूफान टकराएगा। स्टेज 2 साइक्लोन अलर्ट यानी कि येलो वार्निंग, इसे 48 घंटे बाद पहले इशू की जाती है। इसमें जो वेदर कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तूफान आने शुरू हो जाते हैं और बरसात होने लगती है, लैंडफॉल शुरू होने लगते हैं और भी बहुत कुछ होने लगता है। अब बात करेंगे स्टेज 3 की, जो साइक्लोन वार्निंग, जब साइक्लोन टकराने वाला होता है 24 घंटे पहले जो गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि 24 घंटे ही बचे हुए हैं, आप लोगों को निकालना शुरू कीजिए। 24 घंटे पहले लोगों को रेस्क्यू शुरू होता है, उनको वहाँ से निकालना शुरू हो जाता है, बस जल्दी जल्दी निकलिए वो तो शुरू होता है, लेकिन 24 घंटे पहले उस रेस्क्यू को तेज कर दिया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाने बचाई जा सके। और जो कोस्टल एरिया है वो वार्निंग जारी की जाती है कि कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र तट के करीब कोई ना जाए, और जो सी वेव्स हैं वो भी पीक पर जाती हैं, यानी कि जो समुद्र के पानी है वो भी आसपास के इलाकों में पहुंचना शुरू हो जाता है, जो समुद्र के करीब के इलाके हैं उनको भी खाली कराया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की
जाने बजाय उन लोगों को सुरक्षित जगहों पे लेकर जाया जाता है। अब बात करेंगे स्टेज फोर की, 12 घंटे पहले जो जारी की जाती है, जो कोस्टल एरिया है वो यहाँ देखा जाता है कोई है तो नहीं वहाँ पे। वो साइक्लोन को ट्रैक करना शुरू किया जाता है कि साइक्लोन कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक टकराने वाला है, कितनी देर में टकराएगा और क्या 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 इसके इफेक्ट हो सकते हैं, या ये देखा जाता है। लैंडफॉल ज़्यादा से ज़्यादा लैंडफॉल शुरू हो जाता है और हवाएं भी तेज होने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगती है और बारिश भी तेज हो जाती है उस स्तर पर। अब बात करेंगे सरकार पहले क्या करती थी, अब क्या करती है। पहले कोई मीजर नहीं थे ना, कोई इसको स्टेप्स लिए जाते थे, लोग मरते रहते थे काफ़ी ज़्यादा लोग। 1993 में एक साइक्लोन आता, उसमें कई हज़ार लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद सरकार को एहसास हुआ कि ये तूफान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार ने 2005 में एक NDMA बना, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अथॉरिटी को बनाया गया, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो पास किया गया उसके अधीन था, और वो फाइनली कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2006 में, जो एक स्टेचुरी बॉडी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। और बात करें तो इसका पर्पज़ ही होता है कि आप जो जहाँ पर तूफान आने वाला है वहाँ वहाँ जाइए, लोगों को सतर्क करिए, वहाँ को उनको बचाइए, रेस्क्यू कैंप्स लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाने बचाई जाए, उनको खाने का प्रबंध किया जाए, कैंप्स बनाए जाते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन कैंप बनाती है, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलाबरेट करती है और कैंप्स बनाए जाते हैं जिनमें लोगों को रखा जाता है, उनको खाने वाने की सुविधा दी जाती है, और तब तूफान के अंदर अगर कोई फंस गया है तो उसको रेस्क्यू करते हैं ये लोग। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द NDMA, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, जो कैबिनेट मिनी मिनिस्टर होते हैं उसके वो वाइस चेयरमैन होते हैं, और NDMA में 8 स्टेट मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं। NDMA ये सिखाती है कैसे आपको, अगर तूफान में आप फंस जाओ तो कैसे आपको अपनी जानें बचानी है, बाढ़ से कैसे बचना है, तूफान से कैसे बचना है, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना बोट के जरिए या किसी और माध्यम के जरिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाना, यही इसका मकसद होता है। अब तक बात करें तो ऐसे ना जाने कितने तूफान वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात ऐसी जगह से टकराए, जो फोनी, तोकाते और वायु, ऐसे ऐसे इनके नाम थे कभी। और ये तूफान की इंटेंसिटी किसी की कम किसी की ज़्यादा, वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कैसा तूफान उसके अंदर बना, उसकी कितनी इंटेंसिटी थी, इसको मीज़र किया जाता है, इसको मीज़र वेदर डिपार्टमेंट इसको मीज़र करता है, वो इन्फॉर्मेशन दे देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप अलर्ट रहिए, इतनी इंटेंसिटी का तूफान अभी आएगा। अभी हाल ही में बात करें तो वेस्ट बंगाल में बंगाली खाड़ी में एक नया तूफान बन रहा है जो कुछ ही दिनों में बंगाल से टकराएगा। इसके एक अलग से फंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका अलग से एक फंड होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है इस तूफान के बाद, भाई जितने लोग इसे इफेक्ट हुए हो उनको रिलीफ प्रोवाइड की जाए। अब तक यही कह सकते हैं कि इस तूफान जो इंटेंसिटी जो इनकी बढ़ रही है धीरे धीरे, कभी 200 कभी 300, ये धीरे धीरे और बढ़ेगी, और इसके रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि समुद्री तट से लोग दूर ही रहें, क्योंकि समुद्री तट पर लोग घर बनाते हैं, वहाँ रहना शुरू करते हैं, मछुआरे वगैरह ये जो वहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।